बबीता को बार्बी डॉल्स बहुत पसंद है। हालांकि उसकी शादी हो गई है, लेकिन वो हमेशा बार्बी डॉल्स के साथ खेला करती हैं। एक दिन अय्यर बबीता के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। बबीता उसे खोलकर देखती है तो उसमें एक बहुत ही सुंदर बार्बी डॉल रहता है, जिसे देखकर बबीता बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद अय्यर अपने कामों से बाहर चला जाता है। बबीता बार्बी डॉल से खेल ही रही होती है, तभी उनके सारे फ्रेंड्स मिलने के लिए आते हैं। उन्हें देखकर बबीता बहुत खुश होती है और सभी से बात करने लग जाती है। बबीता उस बार्बी डॉल को साइड पर रख कर वो चाय लेने के लिए किचन चली जाती है। वो जल्दी से चाय बनाती है और चाय लेकर बाहर आती है, तभी देखती है कि उसका बार्बी डॉल नहीं है। वो अपने दोस्तों से पूछती है, मैंने यहाँ पर बार्बी डॉल रखा था, क्या तुम लोगों ने उसे देखा? उसके सभी दोस्त देखने से इनकार कर देते हैं। फिर बबीता सभी से एक एक करके पूछती है, जब मैं चाय लेने गई थी तब तुम सभी क्या कर रहे थे? सबसे पहले दया कहती है, मुझे टप्पू के पापा का कॉल आ गया था तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी, मुझे तुम्हारे बार्बी डॉल के बारे में कुछ नहीं पता। फिर माधवी कहती है, मैं भी अपने फ़ोन पर गेम खेल रही थी, मुझे भी तुम्हारे बार्बी डॉल के बारे में कुछ नहीं पता। फिर अंजलि कहती है, मैं तो टीवी देख रही थी, मुझे भी तुम्हारे बार्बी डॉल के बारे में कुछ नहीं पता। सभी की आंसर जानने के बाद भी बबीता को नहीं पता चलता है कि उसका बार्बी डॉल किसने चुराया है। तो फ्रेंड्स, क्या आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हो कि बबीता का बार्बी डॉल किसने चुराया है? अगर आपको पता चला तो हमें नीचे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड का टाइम है, आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, चोर कोई और नहीं दया है। अगर आप उसके पर्स को ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा यहाँ बार्बी डॉल की बाल उसके बाइक पर निकली हुई है, मतलब दया ने उस बार्बी डॉल को अपने पर्स पर छुपाया है, उसी ने बबीता का बार्बी डॉल को चुराया है। दोस्तों, आपको आंसर ढूंढने में कितने सेकंड लगे थे कमेंट करके जरूर बताइएगा।